अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 का पार्ट 8 कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एडिट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं उनमें सबसे पहले है क्रिएट एंड एडिट अ सी प्रोग्राम, सेविंग अ सी प्रोग्राम, कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम, लिंकिंग अ सी प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अपना कंपाइलर को ओपन कैसे करना है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने डेफ को इंस्टॉल किया था, ठीक है, और हमने देखा था कि उसको डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। आज के लेक्चर में हम देखते हैं अब हमने उसको ओपन करके उसमें प्रोग्राम बनाना कैसे है। तो ये है आपके पास, जब आपने इंस्टॉल किया होगा तो इस तरह का आइकन आपके डेस्कटॉप पे आ गया होगा। ये है आपके पास डेफ सी प्लस प्लस। आप यहाँ से इसको डबल क्लिक करें डायरेक्टली तो भी आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप सर्च बार में लिखेंगे डेव तो ये आपके पास आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा आपके पास। इसके बाद आपने हमारा जो पहला टॉपिक है या पहला पॉइंट है वो है क्रिएट एंड एडिट अ सी प्रोग्राम। तो क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम फाइल पर क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद हमें चूज करना है सोर्स फाइल, ठीक है। ये हमारे पास खुल गया है पेज। यहाँ पे हम टाइप करेंगे जो भी हमने सी प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। अभी मैं छोटा सा एक प्रोग्राम लिख देती हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारे पास सी लैंग्वेज का, इसका क्या मतलब है लाइन का ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे जब हम टॉपिक देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। फिलहाल सिर्फ आप ये समझें कि हमने इसमें लिखना कैसे है, ठीक है। ये कीबोर्ड से सिंपल मैं लिख रही हूँ। जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो आप लिखेंगे, टाइप करेंगे और उसके बाद जो है वो हमारे पास अगला स्टेप आएगा प्रिंट है। और हम एक मैसेज शो करा देते हैं यूजर को हेलो का और के साथ ही हो गया हमारा बेसिक प्रोग्राम कंप्लीट, ठीक है। ये पहला स्टेप है हमारे पास कि आपने नया प्रोग्राम बनाना कैसे है, इसमें लिखना है, एडिटिंग करना चाह रहे हैं आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पहले से कोई बना हुआ है प्रोग्राम उसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप फाइल पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेस्कटॉप पे। जहाँ पे भी आपका प्रोग्राम है आप वो फोल्डर खोलेंगे, सर्च करेंगे कहाँ है। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे देखें तो सी का कोई ना कोई प्रोग्राम होगा, मैंने टेस्ट सैंपल एक बनाया था, ये देखिए test.c। ये हमारे पास पहले से मैंने एक बनाया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं कर के दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये ओपन हो गया, ये पहले से बना के रखा है। इसको फिलहाल मैं क्लोज कर दूंगी, यहाँ से मैं राइट क्लिक करूंगी तो ये क्लोज का मिल गया ऑप्शन, ठीक है। ये तो अगर आपने कोई पहले से बना के रखा है उसमें चेंजिंग करनी है तो इस तरह से खोल के आप कर सकते हैं। कोई नया बनाना है तो जैसे अभी हमने बनाया है ऐसे बनाएंगे। बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सेविंग। सेव कैसे करना है, फाइल पर क्लिक करेंगे और ये आपके पास ऑप्शन आ गया है सेव का। ये डायरेक्टली कीबोर्ड से आप कंट्रोल एस क्लिक करें तो भी आपके पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे नाम इसका test1 लिख देते हैं क्योंकि टेस्ट पहले से ही बना पड़ा है, ठीक है। फाइल का नाम लिख दिया हमने test1। यहाँ से हम लोकेशन चूज करते हैं कहाँ हम सेव करना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं इसको। और यहाँ नीचे आ रही होती है हमारे पास एक्सटेंशन, ठीक है। ये जो डेव है बेसिकली आप सी लैंग्वेज के लिए भी यूज कर सकते हो, सी प्लस प्लस के लिए। और सी प्लस प्लस जो है बेसिकली वो एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज की, ठीक है। तो इसलिए हम इस जो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम होते हैं उनके लिए सी प्लस प्लस एक्सटेंशन यूज करते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मली सी होते हैं उसमें .c एक्सटेंशन होती है, ठीक है। नाम लिखने के बाद एंड पे अक्सर डॉट के बाद कोई ना कोई वर्ड आ रहा होता है, ठीक है। तो जब आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके बाद .c आएगा। आपने इसको यहाँ से .c को चूज करना है। सेव कर दिया हमने, ठीक है। ये हो गया सेव, सिंपल तरीका है सेव करने का। सेव करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है कंपाइल। अच्छा, सेव करने के अलावा इसको आपके पास एक और ऑप्शन होता है सेव एज का। सेव एज में क्या होता है कि आप एक ही फाइल को डिफरेंट नामों से डिफरेंट जगह पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज पर क्लिक करेंगे तो दोबारा वैसा ही एक फोल्डर खुल जाएगा जैसे हमने सेव पर क्लिक करने पर आया था, और वहाँ पे आप वो नाम लिख के इसको कहीं और भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने करना है इसको कंपाइल। कंपाइलिंग में क्या होता है, कंपाइलर का क्या काम था पीछे हमने पढ़ा था, इसने ट्रांसलेट करना है लैंग्वेज को
ये जो आपका कोड लिखा है ये हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, और हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड। तो कंपाइलर का क्या काम होता है कि उसमें ट्रांसलेट करना होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर को या आपके प्रोसेसर को नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। तो उसमें इस कोड को कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कि कंपाइलर। अब हमारे पास काम आता है कंपाइलर का, क्योंकि हमने कोड लिख लिया है सारा, सेव भी कर लिया है, तो अब हम इसको कंपाइल करेंगे यानी कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट कोड है ये कन्वर्ट किया जाएगा सोर्स, ये जो आपके पास सोर्स कोड है सॉरी सोर्स कोड है ये जो, इसको कन्वर्ट किया जाएगा ऑब्जेक्ट कोड में। उसको करने का तरीका क्या है, एग्जीक्यूट पे जाएंगे और कंपाइल पे क्लिक कर देंगे, या डायरेक्ट आप कीबोर्ड से F9 भी क्लिक कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की है इसकी। इसके बाद आपके पास आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, और कंपाइल में इसके अंदर जो भी एरर्स वगैरह हैं वो भी सारी की सारी चेक हो जाएंगी। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, ये कंपाइल हो गया है, पूरा नीचे टाइम आ रहा है कितने टाइम में ये कंपाइल हुआ है। ठीक है, तो कंपाइल होने के बाद क्या हुआ होगा, बैकएंड पे क्या हुआ होगा, इससे रेलिवेंट एक फाइल जनरेट हुई होगी, ठीक है, जिसकी एक्सटेंशन होगी .obj यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल होगी। वो उसमें जो सारे का सारा ये आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है ये ट्रांसलेट होगा लो लेवल लैंग्वेज में, और वो उस फाइल में लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद होता है नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास, लिंकिंग ऑफ सी प्रोग्राम। लिंकिंग में क्या होता है, लिंकिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम लाइब्रेरी फाइल्स को अटैच करते हैं अपने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ। ठीक है, कौन सी लाइब्रेरी फाइल्स, वो लाइब्रेरी फाइल्स जिनमें डिफरेंट फंक्शंस की डेफिनेशंस पड़ी हैं जो हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे होंगे। हमने हाई लेवल लैंग्वेज में बात की थी ना, आपके पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, तो वो जो बिल्ट इन फंक्शन जो बने बनाए फंक्शन हमारे पास मौजूद होते हैं, हमें सिर्फ उसका नाम लिख के उनको इस्तेमाल करना होता है, उनकी डेफिनेशन या उनका सारा मतलब या उनका क्या मीनिंग है वो सारा जो है वो डिफरेंट लाइब्रेरीज में लिखा हुआ होता है। ठीक है, उन सारी लाइब्रेरीज को हम अपने प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करते हैं बेसिकली हेडर फाइल्स के थ्रू। ठीक है, हेडर फाइल्स कहाँ लिखी जाती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के, ये जो लाइन है ना जो भी हैश से शुरू होती है इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, और ये जो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, ये एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h या नीचे ये जो लिखा हुआ है conio.h, इसको हम कहते हैं हेडर फाइल। .h का मतलब है ये हेडर फाइल है, और ये stdio जो है वो नाम है, conio.io जो है ये नाम है। ठीक है, डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं और भी बहुत सारी हैं, आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन हेडर फाइल्स के थ्रू जो है वो लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो लिंक होती हैं हमारे प्रोग्राम के साथ। ठीक है, ये हेडर फाइल जो है वो लिंक करवाएंगी उन लाइब्रेरीज के साथ जिनके अंदर डिफरेंट डेफिनेशन मौजूद है बिल्ट इन फंक्शंस की जो हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके ऑब्जेक्ट कोड के अंदर ऐड होंगी ताकि आपके कंप्यूटर को पता हो कि जो बिल्ट इन फंक्शन हम यूज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसका सारा मीनिंग, उसकी सारी डेफिनेशन हेडर फाइल से उठा के ऑब्जेक्ट कोड में ऐड हो जाएगी। ठीक है, ताकि आपका प्रोग्राम पूरा हो जाए। जैसे यहाँ पे प्रिंट एफ का वर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, प्रिंट एफ का क्या मतलब है, हम सिर्फ उसको लिख के इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक मैसेज है हेलो का, ये प्रिंट करवा देगा स्क्रीन पे, लेकिन इसका मतलब क्या है ये पीछे लाइब्रेरी फाइल में बताया हुआ। ठीक है, और उस लाइब्रेरी के साथ हमें कौन कनेक्ट कर रहा है, ये हेडर फाइल stdio। std स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, i स्टैंड मतलब, i का मतलब है इनपुट और o का मतलब है आउटपुट यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये जो हेडर फाइल है आपके प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट को देखती है, आपके इनपुट का जो भी बिल्ट इन फंक्शन है और आउटपुट का जो भी बिल्ट इन फंक्शन हमें बना के दिया है, जैसे प्रिंट एफ आउटपुट के लिए हमें बना दिया उन्होंने, हमें सिर्फ वर्ड लिखा है प्रिंट एफ, इसका सारा मतलब पीछे लाइब्रेरी में लिखा हुआ है। ठीक है, उसको लिंक करेगी ये हेडर फाइल ऑब्जेक्ट कोड के साथ। ठीक है, लिंकिंग में ये काम होता है, लिंकिंग के बाद आपके पास आता है लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है, लोडिंग में हमारे पास जो आपके पास फाइनल बनती है फाइल जिसमें ऑब्जेक्ट कोड होगा आपके सारा का सारा और उसमें सारी लाइब्रेरीज भी लिंक हो चुकी होंगी, वो जो फाइल है वो लोड की जाती है। ठीक है, और मेमोरी में लोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, वो प्रोग्राम जो मेमोरी में आपके पास लोड होता है जिसने एग्जीक्यूट होना है उसको हम कहते हैं लोडर। ठीक है,
अब आपका प्रोग्राम लोड हो चुका है। लोड होने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, हमने एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे। एग्जीक्यूट पर क्लिक करने के बाद हम जब क्लिक करेंगे रन पे, तो इसका मतलब है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो जिस भी पर्पज़ के लिए हमने बनाया वो चलेगा, उसके जो भी रिजल्ट है वो हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप F10 डायरेक्टली कीबोर्ड से भी क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप रन और कंपाइल इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो वो इकट्ठा भी कर सकते हैं। आप F11 क्लिक करें तो कंपाइल होगा और उसके बाद फौरन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये आपको समझाने के लिए दोनों काम अलग अलग कर रही हूँ। कंपाइल हमने कर ली है, कोई एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम रन करेंगे। ये देखिए हमने रन किया है, तो रन करने पर मैसेज लिखा आ गया हेलो का, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में सिर्फ यही कहा है करने को, प्रिंट एफ हेलो, यानी कि स्क्रीन पे एक मैसेज शो कराना है हेलो का, वो आपने नजर आ गया। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है इसकी। ठीक है, इसको यहाँ से आप क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब आप इसको अगर डायरेक्टली कंपाइल और रन करना चाहें तो ऐसे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से कंपाइल भी होगा और एग्जीक्यूट भी हो गया, ये आपके पास आउटपुट आ गई है। ये सिंपल तरीका है कोई भी एक फ्री लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने से लेकर उसको एग्जीक्यूट करने तक का। आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी मसला आया है आए तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।